करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सर हाँ बेटा। सर टेस्ट नेक्स्ट वीक ले सकते हैं क्या? नेक्स्ट वीक से स्कूल में एग्जाम्स है। कौन सा स्कूल? सर BRS। मंडे को तो मॉड्यूल ख़त्म करो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। मॉड्यूल मंडे को ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा था मैं? सर तो आज फोन करके गौतम सर को बोल देंगे कैपेसिटेंस का अपलोड कर। हाँ ठीक है सर। आज का नया चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज आपका रेस्ट पे था। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बेसिकली चार्ज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। इसके बारे में बेसिक आइडिया आप लोगों को क्लास 10th में ऑलरेडी गिवन दिया जा चुका है ना, है ना, इस चैप्टर के बारे में बेसिक आइडिया कि नहीं आइडिया? हाँ सर। असली में अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में क्या देखने वाले हैं हम, कि आखिरकार किसी कब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ठीक है। सो शुरुआत वहाँ से होगी, उसका इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो मोड्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों ने जो क्लास 10th तक पढ़ाई करी थी उसमें आप हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फ्लो करते हुए देखे थे, कंडक्टर के अंदर, राइट? हाँ है ना, देखा कि नहीं देखा? हाँ सर। देखा तो नहीं है, पढ़ा है ना, तो इनसाइड अ कंडक्टर आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब है चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया। अब चार्ज अपने आप में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चीज़ तो है नहीं, चार्ज हमेशा किसी न किसी चीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, बिकॉज पढ़ा था अपन ने चार्ज की प्रॉपर्टी में क्या, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सो चार्ज अपने पास है जो मूव कर रहा है, मतलब किसी ने किसी चीज के साथ गया होगा ना चार्ज। तो जिसके साथ चार्ज ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर, जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है उसको क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर। कंडक्टर के अंदर चार्ज क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाँ है ना। हाँ सर। वहीं पे अगर हम बात करें अबाउट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में चार्ज फ्लो करता है, पढ़ा है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया ना कि चल रहा है अभी? क्या चल रहा है? तो सॉल्यूशन के अंदर जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, सॉल्यूशन के अंदर, बाहर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो किसके साथ जाता है वहाँ पे, चार्ज कैरियर कौन होता है? क्या होते हैं? आयंस होते हैं, है ना। सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? तो सर आयंस होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बीटा रे का नाम कभी सुना है आपने कि नहीं सुना?
हाँ सर सुने, सबने सुना है? बीटा रे क्या होता है? बेसिकली दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, राइट? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल रहे हैं, मान लीजिए किसी सब्सटेंस से, तो क्या बोलते हैं, बीटा डीके हो रहा है, बीटा रेज निकल रहे हैं, राइट? सो बीटा रेज जब ट्रेवल कर रहे हैं तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो चार्ज कैरियर यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन्स ही है ना? अल्फा रे का नाम तो सुना होगा कि नहीं सुना? बीटा रे का नाम सुना तो अल्फा रे का नाम तो सुना ही होगा ना यार, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ना। तो अल्फा रे में क्या होगा, अल्फा रे होता क्या है? स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है ना। अब मुझे बताइए अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं सर? हीलियम 2+ होता है कि नहीं होता? हाँ सर, यस सर, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना। सो यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है? अल्फा पार्टिकल कह सकते हो, नहीं तो हीलियम 2+ भी कह सकते हो, जो मर्जी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है? सो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें चार्ज को लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, हाँ या ना? और इन सभी केसेस में क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, वी से दैट द इलेक्ट्रिक, वी कॉल इट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, नो सर। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा तो अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग केसेस में। देखो मेजरली हम लोग अभी भी किस में इंटरेस्टेड है? कंडक्टर में इंटरेस्टेड है। किस में इंटरेस्टेड है? कंडक्टर में, ठीक है? कंडक्टर के अंदर खास बात क्या होती है जो इसको इंसुलेटर से अलग करता है, बताइए तो क्या होता है? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसको अलग करता है बाकी किसी चीज से, है ना? हाँ सर, बाकी मतलब बाकी किसी चीज का मतलब क्या है? इंसुलेटर से। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है काफी सारे। तो कंडक्टर के अंदर आखिर क्या चल रहा होगा? मान लेते हैं मेरे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, या आइसोलेटेड कंडक्टिंग वायर है लेट्स से। इसके अंदर क्या चल रहा होगा थोड़ा समझते हैं एक बार। यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, फ्री का मतलब क्या है? वो इस कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए फ्री है ना? कहीं भी नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए ये क्या है? फ्री है। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रैवल करेंगे? तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री कंडक्टर है, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, अगर इसके अंदर कुछ भी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में रैंडम स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली, ठीक है? अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं
तो एट रूम टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड होगी कि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी अंदाजा लगा सकते हो आप? स्पीड ऑफ लाइट 10^6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होगी, ठीक है? समझ में आई बात? अब बोलोगे सर कैसे निकाला? तो गैस में निकाला था ना अपन ने, अंडर रूट ऑफ 3 RT/m निकाला था। यहाँ पे m क्या था? मोलिकुलर मास था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उससे जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। ओके, वो RMS था, जो RMS बता रहा हूँ मैं, ठीक है? लेकिन इसमें मुझे कोई खास इंटरेस्ट फिलहाल इस फॉर्मूले में नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं। सो एट रूम टेम्परेचर एवरेज स्पीड कितनी है? 10^6 मीटर्स पर सेकेंड। कोई दिक्कत? पर इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? कितना है? तो सर वो जीरो है। क्यों? क्योंकि कोई राइट जा रहा है तो कोई लेफ्ट भी आ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे भी आ रहा है ना? समझ में आई बात? इफ आई कंसीडर जस्ट वन इलेक्ट्रॉन तो उसका मोशन कैसे होगा? सर यहां से इधर जाएगा, एक एटम से टकराएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, दूसरे एटम से टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, तीसरे एटम से टकराएगा, फिर और ऐसे फिर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। समझ में आई बात? अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करूं तो वो कुछ इस तरीके का मोशन करेगा। मतलब आप ऐसा समझ लो, यहाँ से शुरू किया, लंबा चौड़ा पाथ ट्रेवल किया और घूम फिर के उसके आसपास में ही, ओरिजिनली जहाँ पे था उसके आसपास में ही है ना? ओके बेटा, ओके। इस इलेक्ट्रॉन का भी, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में भी अगर बात करते हैं तो इसकी भी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो सर ये एवरेज स्पीड होगी अप्रॉक्सीमेटली 10^6 मीटर्स पर सेकंड की, और इसकी एवरेज वेलोसिटी इन फाइनाइट टाइम कितना होगा? मतलब कुछ एक अगर छोटा सा टाइम पीरियड कंसीडर करोगे, या ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोलना चाहिए, वो कितना होगा? दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो, क्योंकि पार्टिकल अपने ऐसे 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 घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। स्पीड कितनी है? 10^6 मीटर पर सेकेंड, पर कहीं जा नहीं रहा। समझ में आई बात? आया ना? यस सर। इधर उधर घूमते घूमते इधर उधर के एटम से टकरा के, या फिर इधर उधर टकरा के अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, ठीक है? तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, कॉपी हो गया हो तो। ओके सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। चलो, तो मैं कह रहा हूँ कि आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज करते हैं और कुछ नए पॉइंट्स भी लिखेंगे। सो इन
आइसोलेटेड कंडक्टर सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ रैंडम वेलोसिटीज ठीक है इसकी जो एवरेज स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10^6 मीटर्स पर सेकेंड मतलब 1000 किलोमीटर पर सेकेंड कश्मीर से कन्याकुमारी सिर्फ 3 सेकंड में इतना ज़्यादा इसका स्पीड है और लेकिन इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना होगा ऑल इलेक्ट्रॉन्स एट एनी मोमेंट कितना होगा कितना होता है बताइए जीरो इतना ही नहीं एवरेज स्पीड ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये होगा सर ये भी 10^6 मीटर पर सेकेंड ही होगा बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखना चाहूँ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना होगा ये जीरो होगा क्योंकि पार्टिकल और अपनी पोजीशन पर टका टक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर टका 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 करता रहेगा ठीक है बेटा सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन लॉन्ग पीरियड में कितना होता है जीरो होता है यहाँ तक किसी को आपत्ति इसके आगे नई बातें यहाँ तक तो पढ़ चुके थे अपन पिछले पेज पे नई बातें क्या हैं तो सर नई बातों में पहला बात ये है कि क्या बता रहा था द मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स बाय इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोलते हैं इट्स कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम समझ में आई बात इसको क्या बोलते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से ओके ठीक है द मीन पाथ बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से ओके अच्छा दो कोलिजन्स के पीछे पाथ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा ठीक है बेटा पाथ बिटवीन टू कोलिजन इज स्ट्रेट लाइन ओके बेटा यहां तक कोई दिक्कत दिक्कत हो तो बता दो किसी को दिक्कत है नो सर तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स लगातार कोलाइड करते रहेंगे दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होगा उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं ये टर्म याद रखना और दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलेंगे मीन फ्री पाथ कहेंगे ठीक है इसको भी याद रखना ये चीज़ भी याद रखना कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसमें जो दो कोलिजन्स के बीच में पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा क्यों क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कोई फोर्स तो लग नहीं रहा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है ना
कोई दिक्कत? नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, अगर कंडक्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये मान लो अपना कंडक्टर है, इसमें मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, समहाउ यहाँ बाहर नहीं अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया मैंने बाहर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे? अंदर की तरफ। अंदर बनाने की जगह नहीं होगी, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं बनाया आगे अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा हो रहा होगा यहाँ पे? आप लोगों ने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन्स ना सर ऐसे मूव करेंगे, बताते हैं। ऐसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऐसे बना रखा था ना बुक्स में, 10th क्लास की बुक्स में। हाँ सर बनाया था। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा जीवन में कभी कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा बताता हूँ। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, सॉरी ये रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे थे, राइट है ना? अभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनका रैंडम मोशन खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा मैं बता देता हूँ, मैं सारे एरोज को मिटा दे रहा हूँ। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई के सबके सब रैंडमली मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी ऐसा नहीं कि रैंडम मोशन खत्म हो जाएगा। पर होगा क्या, फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, एक आधा उल्टा भी जा रहा होगा। अभी भी इनका रैंडम मोशन इंटैक्ट है, ध्यान दीजिएगा, रैंडम मोशन इज इंटैक्ट। एडिशनल वेलोसिटी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज एडेड। रैंडम मोशन अभी भी है और बस उस रैंडम मोशन में एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी ऐड हो जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना बेटा? क्योंकि फोर्स लगा इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए, पर रैंडम वेलोसिटी अभी भी इंटैक्ट है। ओके, कोई दिक्कत है तो बता दो। ध्यान दीजिएगा, रैंडम मोशन किसकी वजह से आ रहा है? तो टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। टेम्परेचर तो अभी भी है ना, तो रैंडम मोशन खत्म नहीं होगा, रैंडमनेस अभी भी रहेगी मोशन में, पर एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी और आ जाएगी जो सब में सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएगी। ठीक है, पहले आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर ऐसा था तो अब आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा बता देता हूं। अब आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन ना कुछ ऐसा होगा, यहां से हल्का सा उधर गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से थोड़ा सा और हल्का सा इधर गया, यहां से थोड़ा सा और हल्का सा इधर आया, यहाँ से थोड़ा सा और हल्का सा इधर आया, और यहाँ से थोड़ा सा और हल्का सा इधर आया। ठीक है,
देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो कोलिजन यहाँ हो रहा है वैसा का वैसा कोलिजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट इन द लॉन्ग टर्म्स यू विल सी कि वाइट वाला जो पाथ है वो क्या है, दिस इज विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैंने येलो कलर से जो पाथ बनाया है दिस इज आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। आप देखोगे कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुँच रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ऑन एन एवरेज जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पहुँचे। ओके, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, क्या कहते हैं इसको, ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की वो अभी भी कितनी है, तो सर वो अभी भी 10^6 मीटर्स पर सेकेंड है, बट अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने जाऊंगा जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो सर दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात, मतलब ध्यान दीजिएगा जो एवरेज स्पीड है आपकी कितनी है 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जीरो नहीं है बट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के, या 1 मिलीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड हो सकता है। ठीक है, इतना कम है एवरेज वेलोसिटी इन कंपेरिजन टू एवरेज स्पीड। ओके बेटा क्लियर है, क्लियर है, यस सर। जो एवरेज स्पीड आ रही इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत कम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा ये जो, सॉरी एवरेज वेलोसिटी आ रही बहुत कम है, ये जो एवरेज वेलोसिटी ना थोड़ी सी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सिर्फ इसी एनर्जी से आपके दुनिया के सारे अप्लायंसेस काम करते हैं, चाहे वो पंखा हो, टीवी हो, आपका मोबाइल हो, आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो, चाहे जो हो, ठीक है, सब कुछ इतनी छोटी सी स्पीड से की वजह से चलता है, इलेक्ट्रॉन्स की इतनी छोटी सी स्पीड 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ इमेजिन दिस सर, मेरे स्विच से लेके अगर मैं अपने वायर, अपने फैन तक के वायर की लेंथ कैलकुलेट करूं तो कुल मिला के सर ये करीब करीब 5 मीटर्स के आसपास आता है। अगर मैं 5 मीटर्स को 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिवाइड करूं तो टाइम लग जाता है सर करीब करीब 5000 सेकेंड्स। 5000 सेकेंड्स का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा। तो सर मतलब मैं स्विच ऑन करूंगा उसके 1.5 घंटे बाद पंखा चलेगा, बोलो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो होगा क्या, पंखा तो हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे ही चलना शुरू शुरू कर देता है। क्या होता है बेसिकली, ये मान लेते हैं आपके पास आपका वायर है, आपने जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ऐसा थोड़ा ना हुआ कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ जाएगा तब जाके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे था ये भी मूव करने लग गया, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था ये भी मूव करने लग गया, आया ना, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इलेक्ट्रॉन तो सारी जगह के मूव करने लगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा नहीं है पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है ना ऑलरेडी, आया ना, हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो सर इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्योंकि पाइप में हर जगह पहले से प्रेजेंट है, हर एक पॉइंट पे जो रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी हर पॉइंट पे एक साथ पहुंच जाएगी, एक साथ नहीं होता है, लाइट की स्पीड के आसपास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, आपको पता है सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है, सिल्वर, उसके बाद कौन है, कॉपर है, सिल्वर के बाद
भाई सिल्वर के बाद कॉपर ही है ना, बोला तो हाँ बोलेगा ही सर, नहीं। तो आपको पता है कॉपर में अगर मैं करंट एस्टैब्लिश करूं और इतना करंट एस्टैब्लिश कर दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्पीड करीब करीब 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए, मतलब 14 मिलीमीटर पर सेकंड हो जाए, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि कॉपर मेल्ट ही कर जाएगा। ठीक है बेटा, सिर्फ 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और उधर 10^6 मीटर पर सेकंड से कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एकता में शक्ति होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक डायरेक्शन जा रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड ही काफ़ी है, पर अगर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो कोई एनर्जी का कहीं कोई फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, हाँ या ना? ओके सर। आगे बढ़ू? देखो ये मेरे पास कंडक्टर था, यहाँ मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, है ना? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? हाँ या ना? फोर्स भी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है, पता है कि नहीं पता? ये कांस्टेंट है कि नहीं है? है कि नहीं? कांस्टेंट ही है ना भाई एक्सेलरेशन? हाँ सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब क्या है, पाथ कैसा होगा? ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर, यस सर, आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना बेटा, वो होता है ई बाय एम इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो एवरेज वेलोसिटी आई थी ध्यान दीजिएगा, दिखने में लग रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया है ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यू वो यू जीरो थोड़ा ना है, क्या जीरो बोलो? ठीक है बेटा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं, तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि ए इंटू टाउ कर देगा फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वही आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। इसका डेरिवेशन कुछ और है जो आपके सिलेबस के बहुत बाद की चीज़ है, दिस इज़ वेरी 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 एडवांस लेवल, क्लास 12th में नहीं कर सकते। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, आएगा ई बाई एम इंटू टाउ आएगा। ओके बेटा, ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, एच सी वर्मा में गलत है, उसने उन्होंने क्या किया, उन्होंने और स्पेशल अंदाजा लगाया कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और इसलिए आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज इक्वल टू हाफ ई ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक है, ये एच सी वर्मा में दे रखा है, ये गलत है। ठीक है, पहले बता दिया, बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई ई बाय एम इंटू टाउ। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर, हाँ बेटा, क्या? पाथ पैराबोलिक होगा कैसे पता? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पाथ कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो होगा ना। ठीक है, दो
कोलिजन के बीच में पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाइम कांस्टेंट में मैंने रिलेशन दे दिया, ध्यान दीजिएगा, टाइम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर टाइम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बेटा? क्यों नहीं करता सर? क्योंकि यार कोलिजन किसकी वजह से हो रहा था? रैंडम वेलोसिटी की वजह से हो रहा था, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन क्यों इधर उधर कोलाइड कर रहे थे? क्योंकि मूव कर रहे थे। कितनी स्पीड से मूव कर रहे थे सर? 10 to power 6 मीटर पर सेकंड से। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ सर? उसमें एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐड हो गया। कितना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर? 10 to power -3 मीटर पर सेकंड, है ना? आया ना? तो उससे कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई रैंडम वेलोसिटी कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा रैंडम वेलोसिटी पे? नहीं पड़ेगा। तो क्या टाइम कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? टाइम कांस्टेंट बोल रहा हूँ, रिलैक्सेशन टाइम पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? बोलो, नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा? समझ में आई बात? हल्का फुल्का फर्क पड़ता है ज़बरदस्ती थियोरेटिकली अगर पढ़ने जाए तो, और लेकिन वो जो पोर्शन है वो आपके क्लास 12th का पोर्शन नहीं है, वो रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है? ओके बेटा, यस सर, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, तो टाउ कांस्टेंट है, तो मैं एक बार और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ सर कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिपेंड ई कांस्टेंट है सर, एम कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट ही है। टाउ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बेसिकली ई टाउ बाय एम इनटू कैपिटल ई, यही होगा ना? ये सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? म्यू लिख देते हैं। इनफैक्ट चाहो तो आप वेक्टर भी लगा सकते, माइनस वेक्टर लगाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए छोड़ दो। यहाँ म्यू क्या है बेटा? मोबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मोबिलिटी। देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? म्यू क्या है? मोबिलिटी है। क्या फॉर्मूला देखा हमने यहाँ पे सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई ई बाय एम इंटू टाउ। मैं चाहूँ तो इसको ई टाउ बाय एम करके उसको म्यू लिख सकता हूँ, तो म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ म्यू क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? एक्सेलेशन तो है ही है ई बाय एम, ये माइनस आएगा ना क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, राइट? कोई दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं? कॉपी हो गया था? ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एक सेकंड बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या देखना है? अगर एवरेज वेलोसिटी हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता है,
तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ एक कंडक्टर में से? मान लेते हैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी वो इधर की तरफ है, वी ड्रिफ्ट, ठीक है? तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। उसके लिए आपको बस एक इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और चाहिए होगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पहले बताएंगे, डेरिवेशन बाद में करेंगे। एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। यहाँ एन क्या है? तो सर ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम। साइन की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस हमने इग्नोर कर दिया। ए क्या है सर? ये ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वी डी क्या है? तो सर वी डी है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर? ये यस सर। अब सवाल ये उठता है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से सर? तो देखो ऐसे समझो, टी टाइम में क्या मैं मान सकता हूँ कि ये डिस्टेंस वी ड्रिफ्ट इनटू टाइम, इतने वॉल्यू इतने डिस्टेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर जाएंगे, हाँ या ना बोलो? यस सर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, इन टाइम टी कितना होगा? कैपिटल एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए तो जरा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू वी डी इंटू टी, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज क्रॉस द क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी। ओके, दिस मीन्स कि चार्ज क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? कितना होगा बताइए? क्या इसको मैं क्यू इज इक्वल टू एन ई बोल सकता हूँ? दिस मीन्स करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी दैट इज इक्वल टू एन ए ड्रिफ्ट इंटू टी बाय, अच्छा एक इंटू इंटू ई बाय टी दैट इज इक्वल टू एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो करंट का फॉर्मूला क्या बन गया? एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कोई भूलेगा क्या?
समझ में आया कि नहीं आया? सो करंट अपना कितना आया? एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? अब हमारे पास है एक नया टर्म जिसका नाम है करंट डेंसिटी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, करंट डेंसिटी जो है ना उसको लिखते जे से हैं और ये एक वेक्टर होता है, ठीक है? ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, बाय डेफिनेशन ही वेक्टर है। ये बेसिकली कैसे डिफाइंड है? दिस इज डिफाइंड एज करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है आपका करंट डेंसिटी। ठीक है, मुझे पता है मेरे करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब जे, अब मैं जे वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? करंट पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके बेटा, दिस मीन्स जे इज इक्वल टू एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा बेटा? म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं? इनफैक्ट ये जो जे वेक्टर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये जो टर्म बनी ना एन ई इंटू म्यू, म्यू याद है? म्यू क्या था? मोबिलिटी था ना, कितना था ये ई टाउ बाय एम था ना, भूल गए? तो जो भी है, ये जो एन इंटू ई इंटू म्यू है इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, सिग्मा। तो हमें क्या मिलेगा? जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में जे वेक्टर भी होता है। इस सिग्मा को हमने क्या नाम दिया बेटा? तो सिग्मा का नाम है कंडक्टिविटी। क्या नाम है? ओके बेटा, जे वेक्टर क्या है? सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके यस सर। दिस स्टेटमेंट या दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने जो बचपन में पढ़ा था ना, वी इज इक्वल टू आई आर, वो गलत है। ठीक है, इसको ओम्स लॉ कहते हैं हम, बट असली ओम्स लॉ क्या है? जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कई लोग इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, कॉपी हुआ? हो गया?
कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक हाँ सर। है, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, आपकी जो करंट डेंसिटी है, दैट इज गिवन बाय जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी, करंट रूम्स लॉ, दैट इज गिवन बाय जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। लेकिन जे वेक्टर के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं। जे वेक्टर क्या है? तो सर, ये तो एक वेक्टर तो है ही, नाम है इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर तो है ही है बेटा, और क्या खास बात है इसमें? खास बात ये है कि सर करंट स्केलर है, क्वेश्चन है ये, देन जे वेक्टर कैसे है ना, ये सोचने लायक बात है ना। तो देखो, बात समझो, कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई वायर है जिसका इधर वाला क्रॉस सेक्शन थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जे वेक्टर और यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर है ना। यहाँ का एरिया टेढ़ा होगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ना। तो आपका जो करंट है दैट विल बी गिवन बाय जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ओके बेटा, कोई दिक्कत? बेसिकली करंट क्या है? करंट डेंसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डॉट प्रोडक्ट से बना है, इसलिए करंट स्केलर है। ओके, करंट क्या है? जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और मतलब अपन ने सब कुछ देख ही लिया ना, इसमें कुछ बचा है क्या? बोलिए। कुछ नहीं बचा ना, कि हो गया, मतलब समझ में आ गया ना पूरा का पूरा जो लिखा है उसका? तो कहानी पूरी की पूरी अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, राइट? एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन कर लूँ, करा दूँ? हाँ सर। लंबी चौड़ी कहानी पहली बार पढ़ने में, दूसरी बार पढ़ने में काफ़ी आसान हो जाती है, तो एक बार सुन लो एक बार, ठीक है, आसानी से कवर हो जाएगा। की टर्म्स क्या है? रैंडम वेलोसिटी, रैंडम स्पीड्स। रैंडम स्पीड्स कितनी है बताइए तो? 10^6। रैंडम वेलोसिटी कितनी है? एवरेज जीरो जीरो है ना, एवरेज लगा देता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगेगा सर? ऑब्वियसली ई ई लगेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा। कितना आएगा? तो सर ई ई बाय एम आएगा, है ना। इसका मतलब पाथ कैसा हो जाएगा? पहले कैसा था? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए पाथ स्ट्रेट लाइन था, अब कैसा हो जाएगा? पाथ पैराबोलिक हो जाएगा, दो कोलिजन्स के बीच में, है ना। आया ना, या गया इलेक्ट्रिक फील्ड या गया एक्सेलरेशन। ओके, अब क्या बोलेंगे? यहां तक क्लियर है ना? यस। इससे हम लोगों ने इसका एवरेज वेलोसिटी निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद की बात चल रहा है,
तो एवरेज वेलोसिटी कितना आया सर? ये आया ई ई बाय एम इंटू टाउ, दैट इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम इंटू ई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो अभी तक तो कुछ नया सीखा नहीं था, मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला वगैरह सीखा नहीं था, फॉर्मूला तो यहीं से बनना शुरू हुआ ना। इसको हम लोग म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोले, जहाँ म्यू क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जो कि जब हमने वी डी के लिए सब्स्टिट्यूट करी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, तो इट केम डाउन टू जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है ना? yes. जहां सिग्मा क्या था? कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कैसे निकलेगा यहां पे अगर देखें जरा सा, तो आई बाय एरिया इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू, चाहे तो आप इसे एन ई इंटू ई टाउ बाय एम भी लिख सकते हो, राइट? है ना, कोई दिक्कत है? हमने ये भी पढ़ा कि करंट कैसे मिलता है, तो सर करंट मिलता है जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर से। हमने इसे ओम्स लॉ कहा, तो सर ये V इज इक्वल टू आई आर के इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ा तो यही था, यही आज, और तो कुछ पढ़ा नहीं अभी तक। बस ये V इज इक्वल टू आई आर के इक्विवेलेंट कैसे, इसको एक बार देख लेते हैं। J को मैं लिख सकता हूँ करंट बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, या L दैट मीन्स V इज इक्वल टू आई इंटू एल बाय सिग्मा ए। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, वन बाय कंडक्टिविटी विल बी कॉल्ड रेजिस्टिविटी, सो दैट इज इक्वल टू आई इंटू रो एल बाय एरिया, इसको हमने नाम दे दिया रेजिस्टेंस, तो हो गया ये आई आर। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? आ गए ना यहाँ से यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर तक, आए कि नहीं आए? समझ में आया कि नहीं आया ओम्स लॉ कैसे डिराइव होता है? क्या ज्यादा हो गया क्या कंफ्यूज? आवाज नहीं निकल रही मुंह से। ज्यादा हो गया? लास्ट वाला डेरिवेशन में बस समझा दी। देखो J इज इक्वल टू सिग्मा ई था, इसमें बस J क्या है? करंट पर यूनिट एरिया, तो उसको लिख दिया I बाय एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बेसिकली पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। तो इसको सॉल्व किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, ये वन बाय सिग्मा को मैंने रो बोल दिया, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है सर। चलो आगे बढ़े। अब देखो ये जो अपन ने मैकेनिज्म पढ़ा है, इस पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिंपल थ्योरेटिकल बन सकते हैं, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए और आपने सॉल्व नहीं किया, तो आप डेफिनेटली बहुत इजी मार्क्स को लूज़ करोगे। ठीक है, इसलिए इतने डिटेल में पढ़ाया, और आते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। लोग अक्सर इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, और एग्जाम में आके जब आता है अरे यार इसको तो रिवाइज ही नहीं किया, ऐसे करके कन्फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करें। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? बड़े सिंपल बनेंगे। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, हाउ? ये क्वेश्चन। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो जाता है?
कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, सबको मालूम है, हाँ या ना? कैसे इंक्रीज़ होता है? तो कई लोगों, मैंने कुछ लोगों का आंसर ऐसे देखा है कि अगर सर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मतलब लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो मतलब रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय एरिया, ये भी इंक्रीज रहेगा। ये सरासर गलत है, कोई बता सकता है क्यों? एज अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ देन लेंथ तो इंक्रीज होगा ही होगा, एरिया भी इंक्रीज होगा, और ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज किस में आएगा? एरिया में आएगा ना। हाँ सर। सो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये तो लेस देन आर नॉट हो गया ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, राइट? ऑब्वियसली ये गलत है ना। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो डायमेंशंस में चेंज आया है उस वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता, उस वजह से तो अगर उसी का इफेक्ट होता तो रेजिस्टेंस उल्टा डिक्रीज हो जाता, हाँ या ना? प्रूफ कर दिया ना यहाँ पे कि नहीं किया? तो कैसे होता है, सही मैकेनिज्म क्या है? देखो सर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मतलब कि रैंडम वेलोसिटीज बढ़ेंगी, मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका रिलैक्सेशन टाइम जो टाउ है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट? हाँ या ना? बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना होता है, ई ई बाय एम इंटू टाउ, ये डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब करंट जो एन ई ए वी डी से मिलता है ये डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा? दिस मीन्स अगर हम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट करें तो ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट डिक्रीज करेगा, राइट? समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन दो वायर्स हैं जिनका मटेरियल सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ठीक है? टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हैविंग लेंथ्स एल एंड 12, मतलब मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ्स क्या है, एल है और 12 है। दे कैरी इक्वल करंट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज,
ठीक है, सॉल्व करिए। टू इज टू वन, देखिए भाई, आई वन इज इक्वल टू आई टू, दैट मीन्स क्योंकि मटेरियल सेम है, दोनों का एन सेम होगा, ई तो सबके लिए ऐसे ही सेम होता है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, इन टू वी वन इज इक्वल टू एन ई ए वी टू, दैट मीन्स वी वन इज इक्वल टू वी टू, दैट मीन्स वन इज टू वन। समझ में आई बात? दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी, इवन दो दोनों के वायर्स की लेंथ अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ का इफेक्ट क्या होगा? लेंथ चेंज करने से करंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये ऐसा कैसे होता है? लेंथ चेंज करने से करंट में तो फर्क पड़ता है ना, हाँ या ना बोलो? लेंथ चेंज करने से करंट में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता सर। नहीं पड़ता? कैसी बात कर रहे हो? लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा ना। तो इस केस में क्या हुआ सर? दोनों की वेलोसिटी इक्वल आ गई सर, क्या चल रहा है ये? देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है जो मैंने पूछा है अभी, आंसर आप ही को देना होगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सोचो और बताओ कि लेंथ चेंज करने से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आया होगा, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा दोनों वायर्स में। बोलिए, कोई फर्क नहीं है? टेम्परेचर कहाँ से आ गया यार? टेम्परेचर के बारे में तो बात ही नहीं हुई। देखो क्या है, क्या होगा यहाँ पे, वन इज टू वन का तो आपका वेलोसिटी आया, हमने बोला वी वन और वी टू इक्वल है, मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हो गया कि म्यू ई वन इज इक्वल टू म्यू ई टू, मतलब दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स वी बाय एल इज इक्वल टू, या वी वन बाय एल इज इक्वल टू वी टू बाय टू एल। यहाँ वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, स्मॉल वी क्या था? वेलोसिटी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। कैपिटल वी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे यहाँ क्या मिला? वी वन इज टू वी टू इज इक्वल टू वन इज टू टू। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा दोनों वायर्स में, इसलिए जिसकी लेंथ डबल है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा तो करंट सेम आएगा। ओके, वैसे भी देख सकते हो कि जो लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस डबल होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल है इसलिए करंट सेम आएगा, हाँ या ना?
हाँ सर। ये आपका आंसर आ चुका है, ये एक्स्ट्रा वर्क था, ठीक है। ये आपको कॉपी करना है, बट पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है। मैं बस अपने से भी ये निकालने की कोशिश कर रहा था कि दोनों में फ़र्क क्या होगा, मतलब दोनों सिचुएशन में क्या फ़र्क है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। बता सकते सर। आगे बढ़ूं, कॉपी हो गया। हाँ सर। अगला एग्जांपल क्या है भाई? ऑन डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस हाउ? और डोंट टेल मी कि फॉर्मूला होता है ना रोयल बाय, उससे वो कैसे आया, मतलब वहां पे एरिया का इन्वर्स रोल क्यों है? बोलिए। सर पहला वाला क्वेश्चन का सलूशन होगा क्या? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ना मतलब इस, लेकिन इसी तरीके का आंसर बताना, ठीक है, इसी टाइप से रीच करना। ऑन डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों कर रहा है? देखो भाई क्या बोलेंगे, इफ वी वन इज इक्वल टू वी टू एंड एल वन इज इक्वल टू एल टू, दिस मीन्स दैट वी वन बाय एल वन इज इक्वल टू वी टू बाय एल टू। मेरे पास दो वायर्स हैं, दोनों की लेंथ मैंने सेम रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम लगाया, तो मैंने क्या देखा कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, राइट, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, स्पीड नहीं बोलना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है तो बता दो। नो सर। दिस इम्प्लाइज, अच्छा तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज आई वन बाय आई टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन ई ए वन वी वन बाय एन ई ए टू वी टू, दैट इज सिंपली ए वन बाय ए टू, क्योंकि वी वन और वी टू इक्वल है ना। मतलब कि आपका जो करंट है इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट मींस जो रेजिस्टेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, क्योंकि पोटेंशियल हमने ऑलरेडी वी वन और वी टू को इक्वल लिखा है, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय एरिया। समझ में आई बात? यू शुड बी क्लियर कि किस चीज का क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है बेटा।
आगे बढ़े। हाँ सर, यहाँ का एरिया है ए, सॉरी यहाँ का एरिया है 2A, यहाँ का एरिया है ए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। हमने इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रखा है। कैसे करेंगे? नहीं समझ में आ रहा? देखो भाई, मान लेते हैं यहाँ से करंट आ रहा है आई, तो ये करंट यहाँ एंटर करेगा और यहाँ से निकलेगा, है ना? मतलब यहाँ पे भी करंट आई है, यहाँ पे भी करंट आई है, मतलब दोनों जगह करंट सेम है ना? मतलब क्या बोलेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 बोल दूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा सर? एन ई, क्योंकि इन दोनों में सेम है, मटेरियल सेम है, E2A V1 इज इक्वल टू NE A V2। दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू 2 V1, और V2 कितना होगा सर? ये हो जाएगा म्यू E2, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू E1। दैट मीन्स E2 इज इक्वल टू 2 E1। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा यहाँ के मुकाबले। जहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पास ट्रैवल करने के लिए जगह ज़्यादा है, इसलिए अगर वहाँ पे स्लो स्पीड से भी चलेंगे तो काम चल जाएगा, करंट दोनों जगह सेम आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड स्लो है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होना पड़ेगा, इसलिए E1 E2 से छोटा है। E2 क्या है? E1 का डबल है, E2 इज इक्वल टू 2 E1। ओके बेटा, कोई दिक्कत है तो बता दो। चलो, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है ये चीज़ क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना ये चीज़? कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। बेसिक चीज़ क्या है? रैंडम वेलोसिटी है, मतलब वहाँ पे एक टाउ पता चल जाए तो उसको आगे हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ और बता देता हूँ, एच सी वर्मा में एक काम और किया हुआ है। अच्छा, वो मैंने लिखवाया था, फिर भी वापस बता दे रहा हूँ कि लैम्बडा जो होगा, मीन फ्री पाथ जो होगा, दैट इज़ इक्वल टू हाफ ई बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर। ये सरासर गलत है, यही स्टेटमेंट गलत है। वो लैम्बडा तो होगा ही नहीं ना, हाफ एटी स्क्वायर से तो कभी लैम्बडा आएगा ही नहीं। आएगा क्या?
नहीं आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को एकदम, लैम्डा मतलब क्या बोल रहा हूँ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इस तरीके से नहीं आएगा। इस फॉर्मूले को पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़े, हाँ सर। चलो अगला है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। या रेदर रेजिस्टिविटी कहना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, पता नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जो आपकी बुक्स वगैरह हैं उसमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा ही रो नोट को क्या बोलता है, उसको टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाता है, फिर सॉल्व करता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप हर बार 0 डिग्री सेल्सियस पे जाओ तब इसको सॉल्व करो। इनफैक्ट ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार बुक्स में यही कर रखा होता है, तो आपको जो दे रखा है वो फॉलो कर लीजिएगा। वैसे सही तरीका क्या होगा अगर सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट आप किसी भी दो टेम्परेचर के बीच में लगा सकते हो। उससे भी अच्छा तरीका ये होगा कि ये फॉर्मूला ही गलत है। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, डी रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डी टी है, इससे आप ज़्यादा अच्छे रिलेशन तक पहुँचोगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ना, रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी है कि नहीं है, तो यहाँ पे रो नॉट लगाने की भी जरूरत नहीं, री रो इज इक्वल टू रो अल्फा डेल्टा टी, ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, डी रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डी टी, क्या वो लिखा है, अच्छा क्या मिलेगा, डी रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डी टी। दैट मीन्स, अच्छा अल्फा भी हो सकता है कभी वेरिएबल हो, वैसे तो कांस्टेंट रहता है अल्फा, पर कभी हो सकता है वेरिएबल आ जाए, तो उसको भी अभी के लिए इंटीग्रेशन के अंदर डाल लेते हैं। अगले स्टेप में अल्फा को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इस केस में अल्फा को मैं कांस्टेंट मानते हुए सॉल्व कर रहा हूँ। तो ln रो, अच्छा यहाँ रो नॉट है, यहाँ टेम्परेचर टी नॉट है, टेम्परेचर टी पे रेजिस्टिविटी रो हो गई, तो ln रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नॉट इज डेल्टा टी, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है, ओके बेटा। किसी को समझ में आया कि नहीं आया, किसी को भी समझ में? देखो इसमें यार कुछ है नहीं पढ़ाने, सिंपल मैथ्स है, तो मैं बस लिख दे रहा हूँ, कुछ क्या एक्सप्लेन करूँ इसमें। अच्छा लास्ट टाइम क्या लिखा सर? देखिए रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू ई टू पावर अल्फा, इधर एलएन है ना, एलएन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कन्वर्ट करिए,
कॉपी हो गया। यस सर। चल रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन कंडक्टर। देखो इसके रेजिस्टेंस का मतलब हम फिजिक्स के में इसके अंदर क्या हो रहा है फिजिकली उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन कि हम उसका रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। ध्यान दीजिए, आप मुझे प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम क्या है जीवन में। मान लीजिए मेरे पास मेरे फिजिक्स की कोई लैब है, ठीक है, तो उस फिजिक्स लैब में करेंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ। अब मैं जो रेजिस्टेंस लेके आया मार्केट से, खूब सारे अलग अलग रेजिस्टेंसेज में ख़रीद के लाया, उन सारे रेजिस्टेंसेज के मान लेते हैं पैकेट के ऊपर लिखा था कि ये रेजिस्टेंस इतने ओम का है, ये रेजिस्टेंस इतने ओम का, ये रेजिस्टेंस इतने ओम का है, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है सारे के सारे वायर्स के पैकेट के ऊपर। मैंने विद टाइम क्या किया, वायर्स को यूज़ किया, मैं क्या करता था पैकेट में से वायर निकालता था, यूज़ कर लेता था, ठीक है, और पैकेट क्या था, पॉलीथीन का पैकेट था, वो फिक जाता था वापस। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं जिनके पास कहीं किसी के पास कोई पैकेट नहीं है, है ना। अब मेरे को कैसे पता चलेगा एक वायर को देख के कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, समझ में आई बात। एक सिंपल वायर पड़ा हुआ है, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, पता चलने लगाने का कोई तरीका है क्या, बता दो, नहीं है ना, है क्या, नहीं है। तो क्या किया जाए, देखो भाई क्या होता है, रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वायर्स के ऊपर रेजिस्टेंस लिख देंगे, यही उपाय है ना, है ना। हाँ सर। वायर के ऊपर रेजिस्टेंस लिख देंगे, लेकिन वायर पतला सा, रेजिस्टेंस लिखोगे कैसे, एकदम छोटा छोटा लिखोगे, मान लो ऐसे तो लिख नहीं पाओगे, बट मान लीजिए लिखा भी तो एकदम छोटी छोटी इंग्रेविंग कराओगे, एक तो कॉस्टली हो जाएगी इंग्रेविंग, है ना, दूसरा उसको मैं देखूंगा कैसे, माइक्रोस्कोप लगा के चेक करूंगा क्या कि सर कि किसका रेजिस्टेंस कितना है, नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस वायर के ऊपर रेजिस्टेंस लिखने का एक नॉमेनक्लेचर बनाएंगे, तरीका बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो हमारे पास वायर है, लेट्स से हमारे पास ये वाला एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस बताने के लिए हम इसके ऊपर चार रिंग्स चढ़ा देते हैं, कितने रिंग्स चढ़ाते हैं, फोर रिंग्स चढ़ाते हैं, ओके बेटा, रिंग्स चढ़ा दो, बीड्स चढ़ा दो, जो भी है बीड्स रहते हैं जनरली, उसको कई बार रिंग बोलते हैं, तो चार बीड चढ़ाए हमने इसके ऊपर, मतलब अंगूठी की तरह पहना दी इसको, चार चार एक ही उंगली पे चार अंगूठियाँ पहना दी, मान लेते हैं एक कुछ ऐसे चला दिया, एक रिंग हो गया ये, या एक बीड हो गया ये, ठीक है, अगली बीड इस पे ऐसे चढ़ा दी, या रिंग ऐसे चढ़ा दी, जो भी कह लो, इस तरीके से चार बीड्स हमने चढ़ा दी, और ये जो वाइट वाला है ये वाइट नहीं होता, सिल्वर है, मान लो ये बीड नंबर वन या रिंग नंबर वन कह लो, ये रिंग नंबर टू, ये रिंग नंबर थ्री और ये रिंग नंबर फोर, ओके बेटा। अब इन रिंग के कलर्स से हम पहचानेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, समझ में आई बात। तो रिंग्स के कलर से कैसे पहचानेंगे, तो बेटा इसके लिए ना, इसके लिए मेरे पास एक, मेरे पास क्या, ये स्टैंडर्ड तरीका, मेरा बना हुआ तरीका नहीं, एकदम स्टैंडर्ड तरीका, हर जगह आपको यही मिलेगा, एक स्टैंडर्ड नॉमनक्लेचर है, क्या है वो, बी बी रॉय,
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ये आपका एक, हमने इस ऑर्डर को याद करने के लिए एक सिस्टम बना लिया। उसके बाद बोला ये बी क्या है, तो सर ये वाला बी ब्लैक है। ये वाला बी क्या है सर, तो ये ब्राउन है। ये आर क्या है, तो रेड है। ओ का मतलब ऑरेंज है, वाई का मतलब येल्लो है। ये वाला जी क्या है, तो सर ये वाला ग्रीन है। ये बी क्या है, तो सर ये ब्लू है। ये वी क्या है, वॉयलेट है। ये जी क्या है, तो ग्रे है। और ये डब्ल्यू क्या है, तो वाइट है। ठीक है, ब्लैक का मतलब ज़ीरो, ब्राउन का मतलब वन, रेड का मतलब टू, ऑरेंज का मतलब थ्री, येलो का मतलब फोर, ग्रीन का मतलब फाइव, ब्लू का मतलब सिक्स, वॉयलेट का मतलब सेवन, ग्रे का मतलब एट एंड वाइट का मतलब नाइन। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आया ना? तो यहां पर क्या है, सबसे पहले वॉयलेट है, तो वॉयलेट का मतलब हो गया सेवन। फिर रेड है, रेड का मतलब क्या हो गया, टू। फिर ऑरेंज है, ऑरेंज का मतलब क्या हो गया, थ्री। तो इसका मतलब हो गया 72 × 10³। ओके बेटा, तो सर लास्ट वाला सिल्वर क्या कह रहा है? तो बेटा सिल्वर, इसका बताता है सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है एरर है आपका 10%। टॉलरेंस कितना है? टॉलरेंस या एरर एक ही बात है, 10% का एरर है। और गोल्ड का मतलब क्या है, 5% का टॉलरेंस है। और अगर चौथा रिंग है ही नहीं, अगर एबसेंट है चौथी रिंग, तो मतलब टॉलरेंस कितने का है, 20% का है। ओके बेटा, वो एरर बताता है। तो 72 × 10³ प्लस माइनस 10% आपका रेजिस्टेंस हो गया। समझ में आई बात? आप लोग ऐसे तो लिख नहीं पाओगे, तो क्या करोगे, ये चार रिंग बना के लिखो, वायलेट, रेड, ऑरेंज, सिल्वर, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? ये नंबर याद रहेंगे, कलर्स याद रहेंगे, हाँ या ना? यस सर। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन बाकी जगह नहीं होता, कन्फ्यूजन होता है तीन जगह पे। कौन कौन से? दो जगह इनफैक्ट। एक तो सर ये 3B है, याद नहीं रहता सर कौन सा ब्लैक है, कौन सा ब्राउन है, कौन सा ब्लू है ना? प्रॉब्लम है कि नहीं है? दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो सर ये जी पे, एक यहाँ पर जी है और एक यहाँ पर जी है, एक ग्रीन है और एक ग्रे है, याद ही नहीं रहता कौन सा ग्रीन है कौन सा ग्रे है। कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तीसरी प्रॉब्लम एक और है। क्या है सर वो? तो बेटा तीसरी प्रॉब्लम ये है कि बेटा ये ना ध्यान रखिएगा, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ये साइंटिफिक फॉर्म नहीं है, बीच में पॉइंट नहीं है। नॉर्मली अगर हम कोई भी तरीका बनाते हैं तो बीच में पॉइंट लगाते हैं ना, साइंटिफिक फॉर्म में आंसर लिखते हैं ना हम लोग, जनरली हम लोग नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, तो 7.2 × 10³ लिखते हैं ना, वो वाला पॉइंट नहीं है, आप मिसिंग है वो वाला पॉइंट। ठीक है, ये मेरे को अपने टाइम पे पता ही नहीं था, मैं जब पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला, तब मैंने नोट किया, मेरा आंसर गलत आ रहा है, पढ़ते वक्त ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, समझ में आया? तो ये चाहिए ध्यान रखनी, ये 3B और ये 2G याद रखने हैं। अब आप बोलोगे सर 10 में से 5 तो आपने याद ही करवा दी, याद करने के लिए बोल ही दिया। चलो, अगर ये इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मेरे पास एक तरीका है। ठीक है, ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है ना आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स में, इससे बचने के लिए भी तरीका है। सीखना तरीका? देखो आपको पहले तो बता दें, ये जो सिस्टम है ना,
ये वाला सुन के आपको अच्छा लग रहा है क्या? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? नहीं सर एकदम नहीं। मतलब थोड़ा सा इंसल्टिंग सा फील नहीं हो रहा लड़कियों के लिए? मतलब कि उतना गलत है नहीं सेंटेंस, बट जब जिस तरीके से लिख रहा है ऐसा सुनने में नहीं लग रहा लैंग्वेज से कि वाइफ उसकी प्रॉपर्टी है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना थोड़ा सेक्सिस्ट सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? थोड़ा सा सेक्सिस्ट, ओके सेक्सिस्ट जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये सेंटेंस? आया ना, अच्छा लग रहा है सुनने में? मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो तरीका है ना, ये जो नॉमनक्लेचर है ना, ये सेक्सिस्ट तो हम लोगों ने इसको याद करने के लिए बनाया है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला। उससे पहले जिसने ये नॉमनक्लेचर असली बनाया वो रेसिस्ट था। क्यों था बताता हूँ उसने क्या किया, दिखता नहीं है लोग क्योंकि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन याद करते हैं। उसने किया क्या असली में देखो, उसने लिखा विबग्योर, बोला यार इंडिगो और ब्लू में आज तक कोई डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं पाया, तो काम करते वी बी जी वाई ओ आर कर देते हैं, ठीक है समझ में आई बात? इंडिगो और ब्लू में लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं क्या ज़्यादातर लोग? नहीं सर, ज़्यादातर लोग इंडिगो को ब्लू बोलते हैं, जबकि ब्लू कौन सा, स्काई वाला कलर है, और जो जिसको हम लोग ब्लू बोलते हैं बचपन से वो एक्चुअली ब्लू नहीं है, वो इंडिगो है, राइट? Yes, so, उसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए उसने क्या किया आई गायब कर दिया, विबग्योर लिख दिया। इसके बाद देखो उसने बोला मैं दो नंबर और जोड़ूंगा, कौन से, सॉरी चार, छः तो होगा दस में से, चार और चाहिए। तब देखो रेसिस्ट बने के इधर डाला ब्लैक, किसको ब्लैक कहाँ डाला, जीरो पे, और वाइट कहाँ डाला, सबसे बड़े नंबर नाइन पे, समझ में आई बात? ब्लैक के बाद हमारा, हम लोगों का नंबर आता है ना उन लोगों रेसिस्ट लोगों के उसमें इंडियंस का, जिनको क्या बोलते हैं लोग, ब्राउन बोलते हैं, राइट? आया ना? यस सर। और इधर एक बच गया ग्रे, तो उसको दे दिया एट। अब याद हो जाएगा कि आपको, अब जल्दी याद होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा? हो गया सर याद। हो गया ना पक्का? तो एक बार कॉपी कर लो सब लोग। सर एब्सेंट 20% मतलब? अगर चौथी रिंग पहनाई नहीं गई है, तीन ही रिंग डाल दी गई, तो बोलोगे यार एरर 20% के आसपास है, ठीक है? कॉपी करो जल्दी जल्दी, आ जाओ बिल्कुल। क्या हुआ ये? सर हाँ बेटा, सर अगर सिल्वर के जगह कोई और कलर होता तो क्या लिखते सर वहाँ पर? बेटा पहनाएंगे नहीं ना, या तो सिल्वर पहनाएंगे या गोल्ड पहनाएंगे, ठीक है? चौथा जो रिंग होगा या तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, ओके? और अगर दोनों में से नहीं हुआ दो, हाँ क्या बेटा? 9 में एक भी नहीं होगा? नहीं नहीं, अब देखो यार वो होता है पर वो आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है? उसका भी मीनिंग होता है बट क्यों जाए ज़बरदस्ती, ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं जिसको पढ़ के बहुत खुशी मिल जाएगी हमें या जीवन में कोई भला हो जाएगा, बस बेसिक है याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ें, देखो ये वाले इस तरीके से मेरे को सारा कन्फ्यूजन मेरा ख़त्म हो गया था जीवन में। ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मेरे को कभी पल्ले मतलब रहता था बट उसमें कन्फ्यूजन बहुत होता था, तीन बार बी आ गया, दो बार जी आ गया, पांच तो आपने याद करा ही दिए दस में से, तो ठीक है यार ये बेटर है ना, मतलब विबग्योर और उसके आगे रेसिस्ट वाला काम है ना। लेकिन मेन कन्फ्यूजन कहाँ हुआ था मेरे को,
और कई बच्चों को होता है कि यार ये जो आंसर आता है ना ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं देता है, ये मतलब सिंपल 72 × 10³ लिखने के लिए कह रहा है, 7.2 × 10³ लिखने के लिए नहीं कह रहा है ना। एग्जाम में जाके यही सब कन्फ्यूजन होते हैं, बाकी सारे कन्फ्यूजन घर पर क्लियर हो जाते हैं, एग्जाम में जाके ये वाले नए डाउट्स आते हैं, है ना बेटा कि नहीं आते हैं? Yes, चलो फिर आज की क्लास यहीं पर यहीं तक। अपन ने टेम्परेचर डिपेंडेंस कर लिया ना इसका, रेजिस्टेंस का। तो बेसिकली आज की क्लास में अपन ने रेजिस्टेंस पूरा कवर कर लिया, ठीक है। मतलब बेसिकली कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एरिया से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, करेंट डेंसिटी क्या है ना। फिर हमने बात कर ली कि भैया टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट होता है प्रैक्टिकली, रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। आफ्टर दैट वी हमने एक रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी पढ़ लिया, ठीक है बेटा। सब कुछ हो गया ना। यस सर। तो रेजिस्टेंस कवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा बैटरी के बारे, हालांकि आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी पढ़ी है तो उस मैं तो उसका 10% क्या 5% भी नहीं पढ़ाऊंगा बैटरी के बारे में। उसके बाद हम लोग सीधे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हुए, ओम्स लॉ भी पढ़ ही लिया हमने देखा जाए तो, बट फिर भी ओम्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हुए सर्किट सॉल्व करना शुरू कर देंगे पैरेलल और सीरीज नेक्स्ट क्लास के अंदर ही। उसके बाद हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट के एनालिसिस सीखेंगे, देन कैपेसिटर के सर्किट के एनालिसिस सीखेंगे, उसके बाद ऐसे सर्किट भी देखेंगे जिसमें रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट अगले हफ्ते कर देते हैं, बेटर रहेगा मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते तक कैपेसिटर का जो बचा कुचा पोर्शन वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा, तो अगले हफ्ते कर देते हैं। लेकिन मंडे को मेरे को आपका मॉड्यूल पूरा चाहिए। उस मॉड्यूल में अगर कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सर्किट का हुआ या फिर जिसमें क्या नाम है सर्किट में कैपेसिटर के साथ साथ रजिस्टर भी लगा दिया गया, तो उन क्वेश्चन को आप अभी के लिए छोड़ दोगे, ठीक है बेटा। ओके यस सर। चलो ठीक है, फिर अभी के लिए क्लास ओवर है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। बाय सर। बाय बेटा।